क्या आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है? अगर आप एक फ्रेशर हो और सोच रहे हो कि फ्यूचर में बिजनेस एनालिस्ट बनोगे और आपको नहीं है आइडिया कि आप कैसे आपका बिजनेस एनालिस्ट का करियर स्टार्ट करने वाले हो, सो यू आर एट द परफेक्ट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एज अ फ्रेशर आप आपका बिजनेस एनालिस्ट का करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया जो होता है अगर आपको एज अ फ्रेशर करियर स्टार्ट करना है बींग अ बिजनेस एनालिस्ट, दैट इज़ कि ग्रेजुएशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, नॉट जस्ट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, बट अगर कुछ भी जॉब करना है आपको आईटी करियर में या फिर कहीं पे भी, तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है। और अकॉर्डिंगली अगर बिजनेस एनालिस्ट भी आपको बनना है, आपको करियर स्टार्ट करना है, तो आपको ग्रेजुएशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वो ग्रेजुएशन प्रिफरेबली टेक्निकल या फिर बिजनेस डोमेन में से होगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको वही डोमेन्स में से ग्रेजुएशन करना है। बाकी के डोमेन में से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, डेफिनेटली आप बन सकते हो, बट टेक्नोलॉजी का ग्रेजुएशन और बिजनेस का ग्रेजुएशन आर प्रिफर्ड वंस, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, तो डेफिनेटली आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा, जाके जस्ट देख लीजिए, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपको बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। सेकेंड जो स्टेप आएगा आफ्टर योर ग्रेजुएशन, दैट इज़ कि आपको राइट स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। बिजनेस एनालिस्ट जो है वो अपने स्किल सेट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहना चाहिए और उसी के ऊपर उसकी हायरिंग होती है। सो अगर आपको एज अ फ्रेशर करियर स्टार्ट करना है तो स्किल सेट डेवलप करने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए स्किल सेट लगते हैं वो जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सच एज आपको एक्सेल आना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, ठीक है? मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है इन डिटेल क्या क्या स्किल सेट नेसेसरी है फॉर बिजनेस एनालिस्ट। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, जस्ट गो एंड चेक इट आउट, उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। उससे आपको क्या पता चलेगा कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या वो सारे स्किल सेट है जो आपको होना इज वेरी मैंडेटरी। जस्ट देख लो और सारे स्किल सेट डेवलप कर लो, डेफिनेटली फिर अगर आपने टेक्निकल या फिर बिजनेस डोमेन में से ग्रेजुएशन नहीं किया है, फिर भी आपको जॉब एज अ बिजनेस एनालिस्ट स्टार्टिंग में करियर के मिल जाएगा। थर्ड स्टेप जो आता है, दैट इज़ कि फिर आपको इंटर्नशिप या फिर एज अ ट्रेनी कहीं पे भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्रेनी ज्वाइन करने के बाद में, इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बाद में, जो भी स्किल सेट आपने अभी तक डेवलप करे हैं वो सारे वहाँ पे ज्वाइन करके और ज़्यादा इम्प्रूव करने हैं। एज अ इंटर्न, एज अ ट्रेनी आपको वही काम है कि आपके जो एग्जिस्टिंग स्किल सेट जो आपने डेवलप करे हैं वो आपको ज़्यादा बेटर इम्प्रूव करने हैं, जिसके बाद कि आप एक फुल टाइम जॉब जब भी जाओगे या फिर ज्वाइन करोगे तभी आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने आ जाएगा, ठीक है? इसी थर्ड स्टेप के साथ हम लोग आते हैं फोर्थ स्टेप पे, इम्प्लीमेंट ऑल दो स्किल सेट ऑन योर जॉब, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे स्किल सेट आपके जॉब में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। जो भी अभी स्किल सेट हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो वीडियो में, तो वो सारे स्किल सेट इम्प्लीमेंट करने हैं, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं, जिससे कि आप एक बेहतरीन बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ, आपका करियर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अगर आपको नहीं है आइडिया कि एक बिजनेस एनालिस्ट अपने डे टू डे लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, जस्ट गो एंड वॉच इट आउट, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डेली एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी पड़ेंगी, कैसे क्लाइंट के साथ बात करना पड़ेगा, कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, क्या क्या एग्जैक्टली करना पड़ेगा, जो कि आपको एक बेहतरीन बिजनेस एनालिस्ट बनाएगा अपने करियर के स्टार्टिंग में, ठीक है? सो ये चार स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे अगर आप एज अ फ्रेशर अपना बिजनेस एनालिस्ट का करियर स्टार्ट करने वाले हो। ये स्टेप्स आपने अच्छी तरीके से करे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस एनालिस्ट की तरह करियर स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी अच्छी तरीके से स्टार्ट होगा और अच्छी तरीके से आप आपके करियर में ग्रो भी करोगे, ठीक है? सो अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था, अगर आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है, अगर आपको अभी पता चल गया है कि एज अ फ्रेशर आप आपका बिजनेस एनालिस्ट का कैसा करियर स्टार्ट करने वाले हो, तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।